हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो एनटीए का एग्ज़ाम होने वाला है 2 मई को, उसके बारे में। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज में, और मेरे को पूरा विश्वास है कि इस टाइम जो ये 2-3 दिन पहले का जो पीरियड है, आज कितनी तारीख है, आज 14 तारीख है, 12, 13 और 14, इन 3 दिनों में हर किसी की एक प्रॉपर वे में बहुत शानदार तरीके से तैयारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम कन्फ्यूज की स्थिति में। और हमारी सही ढंग से तैयारी कब हो पाती है? जब हमारा कंफ्यूज बिल्कुल क्लियर होता है और हमें डायरेक्ट एक टारगेट दिखता है कि भाई 10 दिन बाद पेपर है, 15 दिन बाद पेपर है, 1 महीने बाद पेपर है। ठीक है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी चल रही है कि एक साइड तो हर स्टेट में हर एग्जाम मोस्टली पोस्टपोन होता जा रहा है। रेगुलर यही खबर सुनने को मिलती है कि आज मध्य प्रदेश में ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया, आज राजस्थान में हो गया, आज उत्तराखंड में हो गया, आज वहाँ हो गया, वहाँ हो गया। ठीक है, दूसरी बात, जब हमें ये खबर मिलती है तो हमारे डायरेक्टली माइंड में चलता है कि शायद हो सकता है हमारा भी एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, कोविड टेस्ट चेक करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, दोस्तों से फ़ोन करके पूछते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं कि सर क्या होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम सभी कन्फ्यूज में। ठीक है, तो देखो आज 2-3 अपडेट आए हैं, पहले मैं उनके बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ओवरऑल सारी बातें। ठीक है, वैसे एनटीए ने डाल रखा है कि भाई 15 तारीख को अब एडमिट कार्ड डालेंगे। ठीक है, लेकिन अब की बार जो पेपर करवाना है वो थोड़ा सा मुश्किल सा दिख रहा है। ठीक है, तो हम पूरा डिटेल से बताएंगे। देखो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित, 8वीं 9वीं 11वीं के विद्यार्थी अगली कक्षा में होंगे प्रमोट। ठीक है, ये सूचना किसकी है? सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये राजस्थान सरकार की है। राजस्थान में RBSE में जो 10वीं 12वीं की कक्षाएँ हैं उनके एग्जाम अभी होने वाले थे, उनको क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, उनको रोक दिया गया। 9वीं 8वीं और 11वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए बोल दिया गया, और 8वीं से पहले के जो स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम नहीं होगा, ये बहुत पहले फिक्स हो गया था। ठीक है, जयपुर 14 अप्रैल कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएँ स्थगित कर दी हैं, और इसी के साथ राज्य सरकार ने 8वीं बोर्ड के छात्र छात्राओं को, 9वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 10वीं तथा 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 12वीं कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासर से चर्चा के बाद संबंध में निर्णय निकाला गया। ठीक है, ये हमारी राजस्थान गवर्नमेंट थी जिसने ये परीक्षाएँ स्थगित कर दी गई हैं। अब हम बात कर लें CBSE के पेपर भी अभी होने वाले थे। देखो ये CBSE का नोटिस है, ऊपर लिखा हुआ है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि CBSE में जो 12वीं के पेपर थे वो होने वाले थे कब, कब होने वाले थे भाई साहब, 4 मई से लेकर 14 जून के बीच में। कब होने वाले थे? 4 मई से लेकर 14 जून के बीच में ये पेपर होने वाले थे, और जो पेपर क्या हो गए, पोस्टपोन हो गए, जो पेपर क्या हो गए, स्थगित हो गए। ठीक है, इसी तरीके से CBSE में जो 10वीं का पेपर था वो होने वाले थे 4 मई से लेकर 7 जून के बीच में, और जो भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए, पोस्टपोन हो गए। ठीक है, तो ये थी कुछ इससे रिलेटेड बातें कि ये 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। CBSE ने भी कर दिया, जो मोस्टली सभी इंडिया, पूरे इंडिया में होता है, और राजस्थान गवर्नमेंट में जो राजस्थान में RBSE होता है, यहाँ पर भी ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। अब हम बात करते हैं कि सर फिर नेट जेरफ का एग्जाम क्या होगा। भाई एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ आज के लेटेस्ट कितने कोविड पॉजिटिव केस हैं और कितनी डेथ हुई हैं। ठीक है, एक बार मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो। देखो आज का डाटा है, ये सारा सारा आज का रिकॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पर यदि पेपर एग्जाम डेट डालते भी हैं, एडमिट कार्ड डालते भी हैं NTA, तो यहाँ पर उनका जबरदस्त तरीके से विरोध किया जाएगा। ये बिल्कुल डायरेक्टली दिख रहा है, 100% हर कोई विरोध करेगा, क्योंकि अब हर किसी को डर लग रहा है। पिछले साल जब COVID-19 हुआ था तब लोगों में डर ज़्यादा था, लेकिन केस कम आ रहे थे। अब उल्टा सिस्टम है, अब धीरे धीरे लोगों में डर बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे लोगों में क्या होता जा रहा है, डर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि केस बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। अभी तक कहीं कोई लॉकडाउन की स्थिति नहीं हुई, कंप्लीट लॉकडाउन केवल महाराष्ट्र में लगाया गया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाओ तो लोगों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक डर घुस गया है। ठीक है, आज का मैं, ये रियल डेटा है, आज मौत हुई है इंडिया में COVID-19 की वजह से 1027। ठीक है, और 1,84,000 न्यू केस आए।
महाराष्ट्र की बात करें तो 60,000 नए केस हैं, 281 मौत हैं। केरला की बात करें तो 7,515 केस हैं, 20 की मौत हैं। कर्नाटक की बात करें तो 87,78 केस हैं, 67 मौत हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 7,000 केस हैं, 18 मौत हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 4,228 केस हैं, 10 मौत हैं। दिल्ली की बात करें तो 13,468 केस हैं, 81 मौत हैं। यूपी की बात करें तो 17,963 केस हैं, 85 मौत हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 4,817 केस हैं, 20 मौत हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 15,121 केस हैं, 156 मौत हैं। राजस्थान की बात करें तो 5,528 केस, 28 मौत हैं। गुजरात की बात करें तो 6,690, 67 मौत हैं। एमपी की बात की जाए तो 9,000 केस हैं और 40 मौत हैं। ओडिशा की बात करें तो 1,784 केस हैं, 2 की मौत हैं। तेलंगाना की बात करें तो 2,157 केस हैं, 8 की मौत हैं। हरियाणा की बात करें तो 3,845 केस हैं और 16 की मौत हैं। बिहार की बात करें तो 4,157 केस हुए हैं जिसमें से 14 की मौत हुई है। पंजाब की बात करें तो 2,950 केस हैं, 50 की मौत हुई है। और इसके अलावा आसाम की बात करें तो 590 केस हैं, 1 की मौत है। झारखंड की बात करें तो 2,844 केस हैं, 29 की मौत है। जम्मू कश्मीर में बात करें तो 1,269 केस हैं, 2 की मौत है। ठीक है, और ये था पूरा डेटा। और उत्तराखंड की बात करें तो 1,925 केस हैं, 13 की मौत है। मोस्टली हर स्टेट में जबरदस्त तरीके से कोविड एंट्री कर चुका है और हर स्टेट में बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होती जा रही है, मौत बढ़ती जा रही है। भाई साहब पहले ये रेशियो कहाँ चलता था, अमेरिका में, इटली में, वहाँ चल रहा था ये वाला रेशियो। पिछले साल हम बहुत नीचे थे पायदान में, हम पिछली बार कभी भी 2,00,000 को नहीं छुए थे, लेकिन आज हम 1,84,000 पर पहुँच चुके हैं। मौत का रेशियो है जो हमारा बढ़ चुका है 1,027 पर। ठीक है, तो इस स्थिति में एनटीए जो एग्जाम करवाती है नेट का, वो पूरा इंडिया में होगा। और यदि पूरा इंडिया में भी होगा तो आपको पता है कि एनटीए एक ऑनलाइन पेपर होता है जिसमें नेट का ऑनलाइन पेपर होगा जिसमें सेंटर फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो कहीं भी दे दिया, आसपास के स्कूलों में भी दे दिया सेंटर, ऐसा नहीं दे सकते क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है। और महाराष्ट्र की संख्या देखो, महाराष्ट्र की क्यों देखते हो, हर स्टेट में देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुरा हाल हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कहीं पर भी कि चलो किसी को एग्जाम देने के लिए ज़्यादा दूर ना चलना पड़े। मोस्टली कुछ लोगों को छोड़ दो, बाकी सभी के सभी लोग हैं जो 50 से 60 किलोमीटर का सफ़र करके एग्जाम देने के लिए आएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ पेरेंट्स भी आएंगे, गाड़ियों में बैठ के आएंगे, अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आएंगे। तो इस सिचुएशन में बहुत बुरा हाल हो रहा है। यदि पहले बात तो एनटीए डालेगा ही नहीं एडमिट कार्ड, एग्जाम 100% पोस्टपोन होगा। बाय चांस डालता भी है तो हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए इसका विरोध करेंगे। मैं नहीं करूँगा लेकिन और भी बहुत सारे लोग इसका विरोध करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइफ की बात है, जिंदगी की बात है, यहाँ पर एक जिंदगी का सवाल है। बाय चांस यदि हम एक पॉजिटिव होते हैं, हम एग्जाम देने के चक्कर में एक कैंडिडेट पॉजिटिव होते हैं, तो उसके साथ हमारे जो भी फैमिली मेंबर हैं वो सारे बिगड़ काम एक मौत के घाट पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये था सारा ओवरऑल कॉन्क्लूजन जो मैंने पूरा फुल डिटेल से बताया है। तो पूरी अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, फोकस बना के रखो, इतना फोकस इतना डेडिकेशन के साथ तैयारी नहीं हो पाती जब एग्जाम का फिक्स पता नहीं होता। मेरे को पता है हम जो पढ़ाई हमारी 10 दिन पहले हो रही थी वो अब नहीं हो रही जबकि एग्जाम पास में आ गए। उसका कारण यही है क्योंकि हर स्टेट में हर एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, पढ़ना है, बीच में छोड़ना नहीं है क्योंकि जेआरएफ 6,000 का ही होता है समथिंग, और 6,000 लोग तो हैं ही ऐसे इस दुनिया में, इस एग्जाम में 6,000 लोग तो ऐसे होंगे जो पूरे डेडिकेशन के साथ जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ाई को डेली नहीं छोड़नी है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, अच्छे से पढ़ना है। और ध्यान रहे, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, इसको अपने दिमाग में सेट कर लो, कोरोना से बच के रहो भाई लोगों। यहाँ पर आपके अकेले की ज़िंदगी का सवाल नहीं है, यहाँ पर यदि आप बीमार होते हो, यहाँ पर आप कोविड से पॉजिटिव होते हो तो आपकी अकेले की नहीं, आपकी पूरी फैमिली की स्थिति होती है। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और बिल्कुल पूरे डेडिकेशन के साथ अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई में पूरा फोकस रखो और बिल्कुल कोविड से बचने की कोशिश करो भाई लोगों। ऐसे नहीं है कि चलो आप दिखा के और फिर ठीक हो जाओगे, नहीं भाई, यहाँ पर काट हमारा जो हृदय है ना वो कंप्लीट फेफड़े हैं वो कंप्लीट रूप से डैमेज हो जाता है। आप एक बार पॉजिटिव हो गए तो क्वारंटाइन रहोगे, बीमार रहोगे, जैसे बच के भी आ गए ना तो भाई साहब जिंदगी ये समझो झंड हो गई।
हम ओवरऑल तरीके से बहुत सारी बीमारियों से फिर ग्रसित हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं हमारे, ठीक है। तो बच के रहो, किसी भी तरीके से अपना बचाव करो, कम से कम घूमने की कोशिश करो, बिल्कुल मस्त तरीके से अपने आप को कहीं पर इस तरीके से रखो कि ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो बाहर निकलो, उसमें भी पूरे प्रोटेक्शन के साथ मास्क लगा के डिस्टेंस को फॉलो करते हुए आते सैनिटाइज करो अच्छे से खुद को, ठीक है। तो ये था पूरा पूरा कंक्लूजन, बाकी जो न्यू अपडेट आता है वो हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। और आप कहोगे कि सर आप इतने दिन से गायब कहाँ थे, अरे भाई लोगों मैं आपके लिए मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ, हो सकेगी तो अब यदि ये पेपर 1 से 1.5 महीना पोस्टपोन होता है तो मैं आपको हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ पर, वो भी अकॉर्डिंग टू गजब तरीके से, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे सभी साथियों। और यदि आपको थोड़ा बहुत, मैं 8-10 दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इससे आपको यदि बुरा लग रहा हो तो आम हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, ठीक है। बाकी मैंने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, लेकिन बीच बीच में वीडियो बनाते रहने से क्या होता है, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। तो उसके लिए हम सॉरी यार मेरे प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो, धमाल मचाना है, कमाल मचाना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक्स देखने के लिए, बाय।